एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई है। दोनों के बीच देर रात मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक चली। वहीं आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तमाम विधायकों को, सांसदों को यहां पर बुलाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे फडणवीस के बीच बैठक हुई और उसके बाद आज का दिन अहम क्योंकि मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें तमाम विधायकों का आना अनिवार्य रहेगा। और इधर महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच में बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। आज महाराष्ट्र बीजेपी मुंबई में बैठक करेगी। बीजेपी की अहम बैठक शाम 7 बजे गरवारे क्लब में होने वाली है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को इस अहम बैठक में बुलाया है। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी के भी कई विधायक मंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। महाराष्ट्र में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। हाल ही में अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे। वो एनसीपी के 8 विधायकों के साथ बीजेपी शिंदे गुट में शामिल हुए। कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश से बप्पा नायडू श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में घुटनों तक पानी भर गया जिसकी वजह से दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि बप्पा नायडू श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में जिधर भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। लेकिन श्रद्धालुओं ने हार नहीं मानी और वो दर्शन करने के लिए घुटनों तक भरे पानी को पार कर मंदिर में पहुंच गए। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि मंदिर के अंदर ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ बारिश का पानी भर गया जिसे देखकर ऐसा लगा मानो मंदिर जमीन के बजाय किसी नदी पर बना हो। अजीत पवार ने शिंदे सरकार में आकर महाराष्ट्र की सियासत का रुख पूरी तरीके से बदल दिया है। अब इन सबके बीच में दावा ये किया जा रहा है कि उद्धव गुट और कांग्रेस में भी टूट होने वाली है। ये बड़ा दावा शिंदे गुट ने किया। शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव गुट और कांग्रेस से करीब 30 से ज्यादा विधायक उनके साथ होने वाले हैं। सारा विधायक जो उठावा गट के है, उद्धव ठाकरे गट के जो है, उनको तो हमारे से ही ज्वाइन होना है, वो दूसरी तरफ जा नहीं सकते। हालांकि इस दावे को कांग्रेस ने सिर्फ अफवाह बताया। ये रूमर्स है, मुझे बताएं किसने बोला है। इज देयर एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय एनीबॉडी? दीज आर ओनली रूमर्स व्हिच आर बीइंग डेलिबरेटली स्प्रेड टू क्रिएट सम पैनिक इन द पार्टी। नो सच थिंग। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के 44 विधायक हैं। चीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद पूरा का पूरा इसराइल विद्रोह की आग में सुलग उठा। एक पुलिस वाले को इंसाफ दिलाने के लिए इसराइल की जनता बागी हो गई, वो सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। इस्तीफे का ऐलान तेल अवीव के पुलिस चीफ ने किया, इसलिए सबसे ज्यादा जोरदार प्रदर्शन भी वहीं हुआ। इसराइल के मीडिया में अनुमान जताया गया कि अकेले तेल अवीव शहर में करीब 20,000 लोगों ने सरकार पर हल्ला बोल दिया। और पुलिस चीफ के जाने की खबर मिलते ही रात में ही घरों से निकल पड़े और तेल अवीव के मुख्य हाईवे पर कब्जा जमा लिया। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इसराइल का झंडा थामे प्रदर्शनकारी गाजे बाजे से लेकर पटाखों के साथ पहुंचे। उन्होंने हाईवे पर आतिशबाजी भी की और आग जलाकर उसके इर्द गिर्द नाचते भी दिखाई दिए।